चंद्रयान 3 चांद से जुड़ा भारत का बेहद महत्वपूर्ण मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है, जिसमें प्रमुख तौर पर चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने और रोवर के जरिए वहां से जानकारी जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब ये कि लैंडर और रोवर को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए आराम से उन्हें चंद्रमा की सतह पर उतारा जा सके और फिर रोवर को सतह पर घुमाकर जानकारी जुटाई जा सके। अगर भारत को सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलती है तो वो ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के क्लब में शामिल हो जाएगा। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक इसरो 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस होने का लक्ष्य रखा गया है, जो पृथ्वी के करीब 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 थर्मोफिजिकल गुणों, चंद्र भूकंपीयता, चंद्र सतह प्लाज्मा वातावरण और लैंडर के उतरने की जगह के आसपास के क्षेत्र में मौलिक संरचना की स्टडी के लिए साइंटिफिक पेलोड ले जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। इसका मकसद अंतरग्रही अभियानों के लिए जरूरी नई तकनीकों को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता से लैस है, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चांद की सतह के बारे में जानकारी जुटाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का प्रमुख काम लैंडर मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से लेकर 100 किलोमीटर की चंद्र गोलाकार ध्रुवीय कक्षा तक ले जाने और लैंडर मॉड्यूल को खुद से अलग करने का है। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल में साइंटिफिक पेलोड भी हैं। बात चंद्रयान 2 मिशन की करें तो इसके दौरान आखिरी पलों में लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हुआ था। भारत के इस दूसरे चंद्र मिशन को चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए काफी अहम माना जा रहा था। चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए इसे रोचक माना जाता है। एक बात ये भी है कि चंद्रयान 1 ने चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज में अहम भूमिका निभाई थी, जिनको लेकर और जानकारी जुटाने की भी जरूरत है। बताया जाता है कि चांद पर ऐसे गड्ढे हैं जहां धूप नहीं पड़ती है, इन्हें कोल ट्रैप कहा जाता है और इनमें पूर्व के सौर मंडल का जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद होने की भी संभावना जताई जाती है। अगर चंद्रयान 3 से इस तरह की ठोस और विस्तृत जानकारियां मिलती हैं तो ये काफी बड़ी बात होगी। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान 2 के सफलता आधारित डिजाइन के बजाय इसरो ने चंद्रयान 3 में विफलता आधारित डिजाइन को चुना है और इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कुछ चीजों के गलत होने पर भी इसे कैसे बचाया जाए और कैसे सफल लैंडिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा, हमने बहुत सी विफलताओं को देखा, सेंसर की विफलता, इंजन की विफलता, एल्गोरिदम की विफलता, गणना की विफलता। सोमनाथ ने कहा कि जो भी विफलता हो, लेकिन इसरो का मकसद उससे उबरकर मिशन पूरा करने का है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले लैंडिंग एरिया को भी बड़ा रखा गया है। चंद्रयान 3 में ईंधन भी ज्यादा है। ऐसे में इसरो यही उम्मीद कर रहा है कि ये मिशन पूरी तरह सफल रहे और भारत को बड़ी उपलब्धि हासिल हो।